एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था श्याम। श्याम की दो बेटी थी। श्याम बहुत ही अमीर था और वही राम की बात करें तो राम बहुत ही गरीब था। राम की भी दो संतान थे, एक लड़का और एक लड़की। राम सोचता था, काश मैं भी अपने भैया के जैसा अमीर बन जाता तो फिर अपने बच्चों को शादी कर देता। सो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आप लोग भी इस तरह का प्रोफेशनल कार्टून वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ कि आप लोग किस प्रकार से इस तरह का वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में जितना भी मटेरियल यूज हुआ है वो सब कुछ आप लोग को मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तभी आप लोग को सब कुछ मटेरियल मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह का वीडियो आप लोग को इस चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आप लोग को ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि ये एप्लीकेशन आप लोग को प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ आप लोग को इस तरह का वीडियो कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे लेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करना है। आप लोग को ऐसा 4 करेक्टर देखने को मिल जाएगा। इन करेक्टर का आप लोग यहाँ पे मूव लिखा है, यहाँ से पकड़ के इधर उधर खींच भी सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग इधर उधर कर भी सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो मैं करेक्टर दिया हूँ वो आप लोग इसमें कैसे ऐड करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग को 4 बॉक्स भी ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग को सब बॉक्स में करेक्टर ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करूँगा, सबसे नीचे आऊँगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इनपुट कस्टम, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो फॉर्म ड्राइव लिखा हुआ है यहाँ पे टिक लगा देना है। यहाँ पे टिक लगाने के बाद यहाँ पे लोड पे क्लिक करना है। लोड पे क्लिक करने के बाद आप लोग का गैलरी ओपन हो जाएगा। गैलरी में से जो मैं करेक्टर दूंगा वो करेक्टर आप लोग को ले लेना है। तो दोस्तों चलिए मैं पहले ले लेता हूँ करेक्टर। जैसा कि आप लोग देखे से पहले वीडियो में एक करेक्टर था, उसके बाद जो जो था मैं सब कुछ ले लेता हूँ, फिर आप लोग को बताता हूँ क्या करना है। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मैं पूरा करेक्टर ले रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से आप लोग भी ले सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस तरह से आप लोग भी पूरा करेक्टर ले सकते हैं, जैसा कि मैं अभी ले रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक लड़का था, जैसा कि वो मैं ले लेता हूँ लिटिल बॉय। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे विलेज वाइफ ले लेंगे एक, जैसा कि आप लोग वीडियो में देखे थे। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, एक ऐड आएगा, ऐड को देख लेना है। तो दोस्तों ऐड को बैक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हमारा सारा करेक्टर आ चुके हैं। उसके बाद से यहाँ से बैकग्राउंड ऐड करना है, जो कि मैं बैकग्राउंड आप लोग को देने वाला हूँ, तो बैकग्राउंड यहाँ से ऐड करना है। तो चलिए यहाँ से क्लिक करेंगे। इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि आप लोग को ये सब करेक्टर कहाँ से डाउनलोड करना है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ से मैं बैकग्राउंड ऐड कर लेता हूँ। आप लोग देख सकते हैं जैसा कि मैं बैकग्राउंड डाउनलोड करके रखा हूँ, ये बैकग्राउंड लगेगा मेरे को, ये बैकग्राउंड ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ ओके पे क्लिक कर दूंगा। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों अगर इस तरह का कोई छेड़छाड़ हो जाता है तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग को मैं बता दूँ, यहाँ पे क्लिक करके इसको सही कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं सही हो चुका है। उसके बाद इन दोनों को थोड़ा थोड़ा छोटा कर देंगे लड़के को। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ से साइज जो लिखा हुआ है यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा कस्टमाइज कर लेता हूँ। उसके बाद इनका लोकेशन प्रॉपर सेट कर देंगे। तो दोस्तों चलिए इस लेडी को भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इनको यहाँ पे ले जाके बिठा देता हूँ। तो दोस्तों कैसे बिठाएंगे चलिए मैं बता देता हूँ। इनके सर के ऊपर क्लिक करना है, जो प्लस का आइकन है सर के ऊपर, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे फ्लिप कर देना है। इस तरह से घूम जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे जो ऊपर आइडियल लिखा हुआ है, IDLE लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे जो नीचे आप लोग को क्या करना है मैं बता दूँ, यहाँ पे जो सीटिंग आइडियल लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद ओके कर देना है, ये बैठे हुए दिख जाएंगी। उसके बाद इनको ले जाकर इस पर बिठा देना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, इस लड़की को भी अच्छा से लोकेशन दे देना है। उसके बाद इस लड़के को भी बिठाना है। तो कैसे बिठाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेम वही प्रोसेस करेंगे जो उनमें किया औरत में, वैसा ही प्रोसेस करना है। तो दोस्तों यहाँ पे सिटिंग आइडियल कर देंगे। उसके बाद इनको भी फ्लिप कर देंगे, यहाँ से इनको किसी भी तरफ घुमा सकते हैं इस तरह से फ्लिप करके। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ से फ्लिप कर देता हूँ। उसके बाद ओके पे क्लिक करूँगा, ये बैठा हुआ दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसको भी बिठा देंगे। उसके बाद यहाँ पे इस तरह का छेड़छाड़ हो जाता है, यहाँ से क्लिक करके आप लोग नॉर्मल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग को बैकग्राउंड इधर उधर करना होगा। तो यहाँ पे जो टीवी का आइकन दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं टीवी का आइकन पे क्लिक करेंगे, ये हरा हो जाएगा। उसके बाद बैकग्राउंड को इधर उधर खींच के ले सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे बैकग्राउंड थोड़ा जूम आउट जूम इन कर लेता हूँ। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से।
उसके बाद फिर से यहीं पे क्लिक कर देंगे, ये बैकग्राउंड लॉक हो जाएगा। उसके बाद इस फिर लड़की को इधर उधर सेट कर देंगे, फिर एक किसान को राम को यहाँ पे क्लिक करेंगे इनके इसके सर पे, और इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका भी इसको भी फ्लिप करके इस तरह से घुमा देंगे, उसके बाद यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक करके रिकॉर्ड, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक करके रिकॉर्ड कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं रिकॉर्ड लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके रिकॉर्ड कर लेना है। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे जो क्लिक करेंगे आप लोग का सारा ये छोटा छोटा आइकन दिख रहा है, सब कुछ हट जाएगा, आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके रिकॉर्ड कर लेना है दोस्तों। अगर इसमें रिकॉर्ड नहीं होता है तो एक अलग से प्ले स्टोर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाउनलोड करके और उससे रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे क्लिक करेंगे सब कुछ आइकन हट जाएगा। आप लोग देख सकते हैं सब कुछ हट चुका है। यहाँ पे फिर से जब क्लिक करेंगे नीचे क्रोमा टून लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा पहले जैसा। यहाँ पे मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ आप लोग को, चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग को दूसरा करेक्टर लेना है, तो कैसे लेंगे चलिए मैं दूसरा सीन का दूसरा क्लिप कैसे लेंगे, फिर से वही प्रोसेस करना है। यहाँ पे जो आइकन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है, चलिए मैं बता दूँ यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर से सब में ऐड कर लेना है दूसरा कस्टम। उसके बाद चलिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैं ये इसको लिया हूँ तो आप लोग देख सकते हैं इसको ले लेता हूँ। उसके बाद नीचे वाला मैं भी ले लूँगा फटाफट से, मैं ले लेता हूँ। उसके बाद इसको ले लेता हूँ, उसके बाद इसको ले लेता हूँ। चलिए मैं इसमें भी एक इंडियन वाइफ भर देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। ओके करूँगा, उसके बाद ओके करूँगा उसके बाद यहाँ से ले लूँगा। उसके बाद इस पे भी क्लिक करके एक लड़की को ले लेंगे, चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद इनपुट करूँगा, उसके बाद यहाँ पे लोड पे क्लिक करूँगा, एक इसको भी ले लूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से ले लूँगा मैं। उसके बाद ओके करेंगे, एक ऐड आएगा, ऐड को फिर से देख लेना है। ऐड को बैक करने के बाद फिर से ओके पे क्लिक करना है, कुछ इस तरह से फिर से छेड़छाड़ हो जाता है, फिर वहीं पे क्लिक करेंगे आप लोग का नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे नॉर्मल हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं सब कुछ हमारा लोकेशन अच्छा से सेट है। इस तरह से आप लोग यहाँ पे फिर से रिकॉर्ड कर लीजिएगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके रिकॉर्ड कर लीजिएगा। आप लोग को मैं दिखा दूँ, यहाँ पे क्लिक करके रिकॉर्ड कर लीजिएगा। नहीं दोस्तों इसमें बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पे फिर से मैं जो बैकग्राउंड दूंगा वो उसको डाल देना है। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और दूसरा बैकग्राउंड ले लेता हूँ मैं। चलिए यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैं यहाँ से जाऊँगा डाउनलोड में। डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ से मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये बैकग्राउंड था मेरे वीडियो में, इसको ले लेंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद इस इनका लोकेशन अच्छा से सेट कर देंगे, जैसा कि आप लोग को दिखा देता हूं मैं। यहां पे क्लिक करके इनको लोकेशन सेट कर देंगे, बाकी सब सेम रहने देना है। उसके बाद इनको आराम से यहां से अगर आप इसका इस बैकग्राउंड को भी इधर उधर करना चाहते हैं तो टीवी के आइकन पे क्लिक करके इधर उधर कर सकते हैं। इसको फिर से यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेके डाउनलोड कर लेना है जैसा पहले बताया था मैं वैसे ही। उसके बाद आप लोग को काइन मास्टर में आ जाना है। चलिए मैं बताता हूँ आप लोग को इसमें आवाज़ कैसे देना है। और दोस्तों मैं बता दूँ इस सारा मटेरियल का लिंक डाउनलोड लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। बैकग्राउंड से लेकर और सारा करेक्टर तक सब कुछ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मैं चलता हूं काइन मास्टर में। काइन मास्टर में आने के बाद ओपन करेंगे काइन मास्टर। काइन मास्टर ओपन होने के बाद मैं बताता हूँ आप लोग को क्या करना है, एक एक क्लिप लेना है कैसे और कैसे आप लोग को इसमें वॉइस ओवर करना है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, 16:9 रेशियो लेंगे, ओके करेंगे, आप लोग को कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से ले लेना है करेक्टर आप लोग को। चलिए मैं दोनों आप लोग को दिखा देता हूँ, दोनों लेकर क्लिप आप लोग देख सकते हैं, दोनों क्लिप मेरा आ चुका है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे क्लिक करके पेन एंड जूम कर सकते हैं, इसको इसका जो क्रोमाटिन का लोगो है उसको छुपा सकते हैं, जैसे कि आप लोग को दिखा दूँ मैं इस तरह से। इस तरह से आप लोग छुपा सकते हैं आसानी से। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस तरह से पेन एंड जूम पे क्लिक करके आसानी से इनका लोगो छुपा सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को नहीं आने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक करके वॉइस ओवर कर देना है अपने कहानी के हिसाब से, जैसा आप लोग का कहानी है वैसे वॉइस ओवर कर देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है, एक्सपोर्ट करके अपने YouTube चैनल पे छोड़ दे सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।